नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 6 नवंबर 2024, दिन है बुधवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खेल रहे हैं, वो तो अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा, दैनिक भास्कर वालों के कई सारे क्विज चलते रहते हैं। अभी फ़िलहाल में जो है 2 से 3 क्विज चल रहे हैं। एक शनिवार को आता है स्पोर्ट्स चैलेंज, एक रविवार को आता है दैनिक भास्कर फैमिली क्विज, और एक ये बुधवार को आता है मधुरिमा क्विज। तो अभी जो है फ़िलहाल 3 चल रहे हैं। बाकी एक और है जो कि केवल राजस्थान वालों के लिए है, खुशियों का त्यौहार करके है, खुशियों की शॉपिंग करके। और ये जो है कई राज्य वालों के लिए है, वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा। और यूपी के लोग भी खेल सकते हैं इसको। कोई इसकी टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में जो है 12 बजे तक लाइव रहता है, और आज रात में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। इसमें मिलता क्या है आपको, 10 विजेताओं को 2,000 रुपये मूल्य के उपहार मिलते हैं, जो कि दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करेंगे। विजेता लिस्ट में जब भी नाम आता है उस दिन या उसके अगले दिन फ़ोन आता है, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। यदि नहीं आता है तो एक सप्ताह तक जो है आपको अपने फ़ोन का ध्यान रखना है, विद इन 1 वीक। क्विज खेलने के लिए आपको जो है इस QR कोड को स्कैन करना होता है, दूसरे फ़ोन के कैमरा से कर सकते हैं, इजीली स्कैन हो जाता है। वहाँ पर आपको स्क्रीन पर ही लिंक दिखाई देता है, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे, क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करेंगे। वीडियो में सब आपको आगे बताया है, और आप जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है, जो भी हज़ारों लाखों जने भाग लेते हैं, और लकली जिनका भी नाम जो है रेंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा लकी ड्रॉ सिस्टम में आ जाता है, उनका नाम विजेताओं की लिस्ट में आता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेन बात बस यही है इसमें, ज़्यादा और कुछ कठिन बात है नहीं। और लिंक की बात जैसे मैं बताता रहता हूँ, तो आपको किसी के भी दिए हुए लिंक से कभी नहीं खेलना है, चाहे मैं दूँ चाहे कोई और दे, उससे आपके जीतने के चांसेस जो है ना लगभग चले जाते हैं। कोशिश करिए आप खुद ही QR कोड को स्कैन करें, खुद ही नंबर पर बैल करें, मिस कॉल करें, जो भी मतलब उसको इसको खेलने का तरीका है वो करें। यदि किसी कारण से नहीं होता है तो आप ने जैसे लिंक मांगा, मान लीजिए है ना, मैंने आपको लिंक दिया, तो आप क्या करेंगे उसको रीडायरेक्ट होकर आप वहाँ पर गए, वहाँ पर आपने लिंक को कॉपी कर लिया, अपने पास पेस्ट कर लिया उसको। अब तो मैसेज जो है व्हाट्सएप में खुद को भेज सकते हैं, तो व्हाट्सएप में आपने खुद को भेज दिया, तो वो अब आपका लिंक बन गया, उस पर आप क्लिक करके खेलें, ठीक है। अपने कोई आपका दूसरा नंबर है, उस नंबर पर आप मैसेज कर दें उस लिंक को, तो वो अब आपका लिंक हो गया, उस लिंक से खेलें। रीडायरेक्ट होके नहीं खेलना है, जैसे कहीं पर आपको गूगल पे मिला या यूट्यूब पे या कहीं कोई भी सोशल मीडिया पे, उस पर आपने क्लिक किया, डायरेक्ट गए आप खेले, सबमिट कर दिया, ये गलती आपको जो है नहीं करनी है। बहुत लोग करते हैं, इस कारण जो है वो सही आंसर देने के बाद भी लकी ड्रॉ से बाहर हो जाते हैं। बाकी आंसर आपको मालूम है, इसका ए है, इसका बी, इसका सी, इसका डी, जल्दी जल्दी आंसर दिए, 30 सेकंड के अंदर सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं है। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको उस होम स्क्रीन पर रुकना है जहां पर आपको इसको खेलते हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, ये दैनिक भास्कर वाले भी जानते हैं, पॉसिबल ही नहीं है 1 मिनट के अंदर कोई 5 क्वेश्चन पढ़े, उनके ऑप्शन पढ़े, आंसर सबमिट कर दे। मशीन ही कर सकती है, हम जो है मशीन नहीं है, है ना। तो उसको आप जो है समय दे के खेलेंगे, आपको आंसर मालूम है या चाहे आपने किया चाहे नोट कर रखें, उसको आप होम स्क्रीन जहाँ पर कोई हम खेलते हैं सबमिट करते हैं, वहाँ पर आप 5 से 10 मिनट रुकेंगे, स्क्रीन ऑन रहेगी, आप उसको बैक करके नहीं जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे कि आपने जो है उसको ऑन कर दिया फिर और काम, ऐसा नहीं, खुली रहेगी। आप जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, बुक पढ़ते हैं तो वो पन्ना खुला रहता है, उस तरीके का 5 से 10 मिनट हो जाएँ, उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। दूसरा, चांसेस बढ़ाने के लिए आपके पास जितने भी फ़ोन नंबर हैं सब नंबर से खेलिए अलग अलग समय पर, किसी से सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से, इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ें। सब नंबरों से एक साथ नहीं खेलना है आपको, है ना, किसी नंबर से आप रात्रि में 8 बजे के बाद खेलेंगे, किसी से रात्रि में 11 बजे, है ना, किसी से सुबह, दोपहर, शाम, इस तरीके से जितने नंबर हैं सबसे खेल डालिए। जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज वहाँ पर जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे। आज जो है हम कोई 6 खेलेंगे, ये कोई 5 के विजेताओं के नाम हैं। पहला नाम है इसमें भीष्म चावला, मैं बोलने वाला था भीष्म पितामह भी। पहला नाम जो है इनका ये नंबर है, ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं, 18296182। दूसरा नाम है विनोद कुमार जैन का, 93700093700। फिर हैं चंदू जी, 86360863600। दीपक नेमा, 744997499।
द्वारिका राम जी हैं 9016590165, मोहित हैं 36809368009, प्रखर पंडित 10148101148, पुखराज जैन 9479694796, पंडित जी हैं ये, और देखें इनके नंबर में 101 रुपए कह दें, दक्षिणा 101 रुपए की दो, उनका तो नंबर में ही दक्षिणा मिली हुई है। पुखराज जैन हो गए। इसके बाद राकेश कुमार इंदवर हैं 52986529986, और शानू पाल हैं 18836183636। ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं। इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। ये प्रश्नों के उत्तर थे, पहले का खेलकूद, दूसरे का कैल्शियम, तीसरे का श्रीलाल शुक्ल, चौथे का शक्तिकांत दास, पांचवें का विष्णु शर्मा। यही मैंने 5 आपको बताए थे, और कोई 6 जो कि आज है, इसके विजेताओं के नाम अगले अंक में आएंगे, यानी कि अगले सप्ताह विजेताओं से हम जल्द संपर्क करेंगे, मीन्स दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करेंगे आज या कल में, जिनका भी ये नाम आया है। नहीं आता है आजकल में तो फिर जो है विद इन 1 वीक आएगा, आप फ़ोन का ध्यान रखें। कौन सा प्राइज़ मिलेगा, कैसे मिलेगा, घर पे मिलेगा, कहीं जाना है, वो सब आपको वो बता देंगे, आप जो है डिटेल में उनसे पूछ सकते हैं। हर कोई इसके जो है अपनी टाइमलाइन टाइम पीरियड होता है, तो उसमें आपको खेलना होता है। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जल्दी खेलेंगे तो आप जीत जाएंगे, लेट खेलेंगे हार जाएंगे, ऐसा नहीं है। जल्दी आपको दिखानी होती है वहाँ जहाँ, जैसे KBC में FFF है, लाइव प्ले अलॉन्ग कर रहे हैं आप उस समय, बाकी कोई बेनिफिट नहीं होता है। जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको खेलना होता है, और जितना ज़्यादा एंट्रीज आपकी जाएंगी अलग अलग समय पर, उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो जैसे इसकी 12 बजे है, तो रात्रि में आप 11:59 तक खेल सकते हैं। तो इस तरीके से आप खेलेंगे। अब जो है QR कोड को स्कैन कर लेते हैं, और वहीं चल के मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से हम जो है आंसर सबमिट करते हैं, उससे आपको भी चेक हो जाएगा मैंने आपको सही बताए हैं या नहीं बताए हैं। तो देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस होम पेज पर आप आ जाएंगे, जहाँ पर आपको दिखाई देता है प्रिय पाठक आपका स्वागत है, ये क्विज ना सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाएगा बल्कि आपको देगा 2000 रुपये मूल्य तक के 10 उपहार जीतने का अवसर। इन 5 सवालों के सही जवाब देने वाले सभी प्रतिभागियों में से चुने जाएंगे 10 भाग्यशाली विजेता। तो ये वाला वीडियो जो रहता है लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल के, वो रहता है उनके लिए जो कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए रहता है, जिससे उनकी जनरल नॉलेज और अच्छी हो सके। और बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होते हैं, आंसर चाहिए होते हैं, उनका भी मैं ध्यान रखता हूँ, उनके लिए शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में, जो कि केवल 1 मिनट के होते हैं, मजे से गाने सुनिए आंसर दीजिए। तो जिनको केवल आंसर चाहिए वो दे सकते हैं, बाकी जिनको अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी है, तैयारी करनी है GK की अच्छी, वो ये वीडियो देख सुन सकते हैं। बाकी ऐसे ही और वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर भरना होता है, उसके बाद आपका नाम, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो, आधार कार्ड पर राज्य चुनेंगे, जो सा राज्य चुनेंगे उसके अनुसार यहाँ पर शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है। ये क्विज में अच्छी बात यह है कि इसको जो है उत्तर प्रदेश के लोग भी खेल सकते हैं, इस कारण जो है मैं भी खेल पाता हूँ उसको। एक ये क्विज है, और एक दैनिक भास्कर का फैमिली क्विज है जो कि रविवार को आता है, वो क्विज भी UP के लोग खेल सकते हैं। तो ये सभी राज्य के लोग जो है इसको खेल सकते हैं, यहाँ से आप चुन लेंगे। ये आपको 5 प्रश्न दिखाई देंगे MCQ फॉर्मेट में, यानी कि 4 ऑप्शन के साथ में, इसको सेलेक्ट करके सबमिट करके आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। तो ये रहा आज का प्रथम प्रश्न, बहुपठित उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? ए विष्णु प्रभाकर, बी शिवाजी सावंत, सी अमृतलाल नागर, डी दिनकर। तो इसका उचित उत्तर, सही जवाब, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवाजी सावंत। देखिए प्रश्न में उत्तर है, उत्तर में प्रश्न है, कैसे? मृत्युंजय शब्द जो है ना शिवजी से जुड़ा हुआ है, आपने सुना होगा मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र शिवजी का होता है। जब किसी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब होता है परिवार में, तो उसके लिए अगर किसी योग्य पंडित जी से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया जाए ना घर पर, उसमें लगभग 11,000 होता है, फिर यज्ञ हवन होता है, उतनी आहुति, वो सब पंडित जी जानते हैं, वो बता देंगे आपको, तो वो करवाई जाए ना, तो उस व्यक्ति की यदि मृत्यु है ना तो टल जाती है अकाल मृत्यु, क्योंकि आयु सभी की लंबी होती है, लेकिन कोई पहले चला जाता है ना वो अकाल मृत्यु होती है। तो किसी का बहुत स्वास्थ्य ख़राब है, तो उनके लिए यदि घर पर ये पाठ करवाया जाए तो शायद ही है उस व्यक्ति की मृत्यु हो, क्योंकि शिव जी ही काल को टाल सकते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। तो मृत्युंजय शब्द जो है उन्हीं से जुड़ा हुआ है, डेली भी अगर कोई पढ़े ना 11 बार तो भी उसके बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। बस ये उसको
धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा, सात्विक रहना पड़ेगा, यानी कि शुद्ध शाकाहारी, उसके बाद फिर वो ये सब करेगा ना, तो भगवान भी जो है साथ देते हैं। तो इनके नाम में ही देखिए शिवाजी है ना, शिव, तो ये शिव महामृत्युंजय, इस तरीके से इस प्रश्न को याद करिएगा। तो ये शिवाजी सावंत हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, और यानी कि ये जो है उपन्यास है, मराठी एक उपन्यास है, और इन्होंने जो है मृत्युंजय लिखा था, इसलिए जो है इनको लोग मृत्युंजयकार भी कहते थे, मृत्युंजयकार। अब तो खैर ये नहीं है। दूसरा प्रश्न, त्योहारों का शहर कहलाता है, यानी कि त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, ए मदुरई, बी वाराणसी, सी जयपुर, या डी नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये मदुरई होगा, जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, मदुरई, मदुरई है या मदुरई आए, बात एक ही है, मदुरई, तमिलनाडु, दक्षिण भारत, इस तरीके से इसको याद करिएगा। एक आपने फेस्टिवल का नाम सुना होगा ना, पोंगल, एक जलीकट्टू, ये सब यहीं के ही हैं, कई सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, वो आप जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने आएंगी ये सब चीज़ें। तीसरा प्रश्न है, सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न है ये, आई थिंक अभी आया था कुछ दिन पहले, दैनिक भास्कर के क्विज में था, जाने केबीसी में था, आ चुका है ये, ए भारत, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, या डी मलेशिया। तो इसमें आप ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे, थाईलैंड को, थाईलैंड के साथ ही जो है लाओस, म्यांमार, कंबोडिया में भी ये पाए जाते हैं, और इनको वो कहते हैं आई थिंक एल्बिनो एलिफेंट कहा जाता है, एल्बिनो, एक टॉफी आती है ना एल्पिनो नाम से, ऐसे ही एल्बिनो, ए एल बी आई एन ओ। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 300 किलो खाना खाते हैं ये एक बार में, और 100 मतलब राउंड फिगर में याद करिए, 300 किलो खाना यानी कि 300 केजी, और 150 केजी वैसे लीटर में होता है, लेकिन यहाँ पर केजी में याद करिए आप इसको तो इजीली रहेगा, 150 वैसे 160 लगभग है, वो तो ऊपर नीचे देखिए होता रहता है, फिक्स कोई भी नहीं पीता, तो 160 केजी जो है या 160 लीटर जो है जल पीते हैं, पानी पीते हैं, 300 किलो खाना, 160 किलो पानी, और 300 किलो खाना खाते हैं, पता है इनकी सूंड इतनी ताकतवर होती है, 350 किलोग्राम ये वजन उठा सकते हैं अपने सूंड से, 350 केजी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है, ए लाल ये होता है, बी भूरा ये नहीं होता, सी हरा ये होता है, डी पीला ये भी होता है। तो इसमें आप ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे, भूरा यानी कि ब्राउन। तो इंद्रधनुष के रंग बचपन में इस तरीके से याद करवाए गए थे मुझको, विपग्योर कहते हैं, वैसे सभी को याद कराया जाता है, इजी तरीका है, विपग्योर कहते हैं, वी आई बी ए बी वाला बी, जियोर जी वाई ओ आर, वी विक्ट्री वाला, आई इंडिया वाला, बी भारत वाला, जी ग्रीन वाला, वाई येलो वाला, ओ ऑरेंज वाला, और आर रेड वाला, ये कहते हैं विपग्योर शॉर्ट में, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो बाकी सब इसमें होते हैं, भूरा नहीं होता है। तो इस तरीके से इसको याद करिएगा, इंग्लिश में इजी रहेगा, उससे आप हिंदी में इसको बना पाएंगे, तो याद कर लीजिएगा, विपग्योर होते हैं ये रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। पाँचवा अंतिम प्रश्न है आज का, लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है, ए एंजेला मर्केल, बी मार्गरेट थैचर, सी हिलेरी क्लिंटन, या डी इंदिरा गांधी। तो ये प्रश्न को ना बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें देखिए अंग्रेजन है ना, इनके भी नाम है, फॉरेनर लेडीज़ है ना, इनके भी नाम है, और भारत का एक ही नाम है, इंदिरा गांधी। तो अब इसमें ये तो बात हो नहीं रही है कि भारत की लौह महिला कौन है ना, इसमें केवल लौह महिला की बात हो रही है, यानी कि आयरन लेडी। तो ये होगा ऑप्शन बी, मार्गरेट थैचर, ये पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी ब्रिटेन की, 1979 से 1990 तक, 1979 से 1990 तक ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये रही थी, मार्गरेट थैचर, और इनको ही जो है लॉ महिला या आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और यदि प्रश्न में यहाँ पर होता या कहीं पर हो कि भारत की लौह महिला, तो उसमें आप ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, 3 बार लगातार रही हैं, और इनको
कहा था किसने ये पूछा जाए तो हेनरी किसिंगर थे, हेनरी किसिंगर उन्होंने इनको आयरन लेडी के नाम से पुकारा था, संबोधित किया था। तीन बार नहीं आई थिंक ये दो बार रही थी, एक बार रही थी 1966 से 1977, 1966 से 1977 तक, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, 24 जनवरी 1966 टू 24 मार्च 1977। उसके बाद सेकेंड बार ये रही थी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, 14 जनवरी 1982, 31 अक्टूबर 1984, दो बार रही थी। इंदिरा गांधी पूरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। तो कहीं पर आए भारत की लौ महिला तो उसमें आप डी के साथ में जाएंगे यानी कि इंदिरा गांधी के साथ में, और कहीं पर केवल लौ महिला आए उसमें आप मार्गरेट थैचर के साथ में जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं प्रश्न को 4 से 5 बार पढ़ना चाहिए फिर ऑप्शन को पढ़ें, नहीं तो जो है ऑप्शन ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं। और तैयारी इस तरीके की होनी चाहिए कि ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े, ज्योति ना पड़े, प्रश्न सुना, ध्यान से समझा और बिना ऑप्शंस के ही उत्तर दे दिया, इस तरीके की तैयारी करिए। तो एक बार जो है आंसर टैली कर लेते हैं क्योंकि सबमिट करने के बाद फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न का है ऑप्शन बी शिवाजी सावंत, दूसरे वाले का ए है मदुरई, तीसरे वाले का सी है थाईलैंड, चौथे वाले का बी है भूरा, पाँचवें वाले का बी है मार्गरेट थैचर। यानी कि ये हो गए बी ए सी बी और बी। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने आपको करेक्ट बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैंने सबमिट पर टच कर दिया है और देखते हैं क्या हुआ। आपने सभी जवाब सही दिए हैं, बधाई, वेल्डन शर्मा जी, मींस मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं और हम जो है लकी ड्रॉ राउंड में पहुँच गए हैं। यहाँ से 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे जिनको 2000 रुपये मूल्य का उपहार मिलेगा। तो लकी ड्रॉ में जो है ना कई लोग भाग लेते हैं जो कि हजारों लाखों होते हैं, और लकी ड्रॉ माध्यम से चुने जाते हैं विजेता। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा जो भी लकी ड्रॉ सिस्टम में नाम आ जाता है उनका विजेता लिस्ट में नाम आता है जो कि हम देखते हैं। तो उसमें आपको चांसेस बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपके पास जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी नंबर से भाग लीजिए, और कोई जो है रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है तो 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं आज रात को। तो अलग अलग समय पर खेलिए हर नंबर से, किसी से सुबह, किसी से दोपहर, किसी से शाम, किसी से सबसे एक साथ मत खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए, इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और बाकी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में था, शॉर्ट वीडियो भी इसका आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिनको केवल आंसर सही होते हैं, आंसर से मतलब होता है, ये उनके लिए बनाता हूँ जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन क्विज की, और जो भी जो है केबीसी में जाना चाहते हैं। सभी जगह जो है जीके कंपलसरी मस्ट है, वैसे भी पढ़ते रहें जनरल नॉलेज तो अच्छा है ना, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आंसर से केवल कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो पढ़ते रहें, बाकी और भी आपको वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पर जो कि आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी भी अच्छी करेंगे, साथ ही वो क्विज हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो ये थी बात आज 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार के मधुरी माँ क्विज की, आशा है आपको अच्छे से बता पाए होंगे और आपकी जनरल नॉलेज और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसे ही खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो, शीख मिलते हैं एक नए वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, नमस्ते, शुभ दिन।